Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the chapter 12, that is some basic concepts of organic chemistry. And in our last video we have discussed about the functional group, and functional groups are the part of an organic compound that decide the all type of chemical properties of the कंपाउंड. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा डिफरेंट या हम बोल सकते हैं कि हेट्रो एटम होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो उसके सभी तरीके की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसको डिसाइड करता है, उनको फिक्स करता है. ठीक है, हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ जो फंक्शनल ग्रुप थे उनको बताया था कि किस तरीके से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हैं जुड़े हुए होते हैं. आज हम बात करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है उसके बारे में. और ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो डिसाइड करता है नॉमनक्लेचर को, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमनक्लेचर को, यानी नाम लिखा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमें अच्छे से देखना होता है. ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या है कि जब भी हम नॉमनक्लेचर करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नॉमनक्लेचर होगा, IUPAC नॉमनक्लेचर. तो वहाँ पर हमें जो सीनियर मोस्ट होता है उसे हमें सफिक्स के फॉर्म में लिखना होता है. प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या है, ये मैंने जो सीक्वेंस बना रही हूँ ये सीक्वेंस फिक्स होती है, और इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स ऐड करेंगे हम, उसका सफिक्स लिखेंगे यानी कि और नाम के पीछे लिखा जाएगा. और जो इनसे बिलो आते हैं, यानी जो फंक्शनल ग्रुप इनसे सीनियर मोस्ट से बिलो आते हैं, उनका हमेशा प्रेफिक्स हम लिखेंगे नॉमनक्लेचर करते समय. ठीक है, ये होता है प्रायोरिटी ऑर्डर. तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर ही ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप. एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ये होता है इस तरीके से लिखा हुआ. ठीक है, या अगर हम इसको ओपन करके लिखते हैं तो ये ओपन करके किस तरीके से लिखा हुआ होता है, इस तरीके से, ये इस तरीके से बॉन्डिंग होती है. और यहाँ पर R जुड़ा हुआ होगा, यानी कोई ना कोई कार्बन यानी एल्केन या एल्काइल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ होगा. और सबसे कॉर्नर पर COOH होगा, या इस तरीके से ओपन करके हमें इसकी बॉन्डिंग भी ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो इसका प्रेफिक्स तो होता है कार्बोक्सी. ठीक है, और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड. सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड. इसके नाम के पीछे क्या लगता है, सफिक्स ओइक एसिड. फिर हम बात करते हैं सल्फोनिक एसिड की. तो सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, या तो ये इस तरीके से लिखा हुआ आएगा या फिर ये इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है. तो SO3H क्या है, सल्फोनिक एसिड है, और इसका प्रेफिक्स होता है सल्फो. ठीक है, और सफिक्स क्या होगा इसका, सल्फोनिक एसिड. सफिक्स क्या होगा इसका, सल्फोनिक एसिड. ठीक है, फिर हम बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड का. तो एसिड एनहाइड्राइड जो होगा वो इस तरीके से लिखा हुआ होगा. अगर हम इसको ओपन करके लिखते हैं तो ये इस तरीके से होगा, और दोनों तरफ इसके क्या होते हैं, R होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, या अगर हम इसको एल्काइल ग्रुप को लिखते समय जो होगा इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. R सेम भी हो सकते हैं, R डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो ये ग्रुप किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, COOCO, इस तरीके से अगर हमें फॉर्मेट मिलता है दैट इज़ द एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, और इसका प्रेफिक्स मोस्टली काम में नहीं आता है, और इसका जो सफिक्स होगा वो होगा एसिड एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड. इनके एग्जाम्पल भी हम लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो अभी हमें डरने की बात नहीं है. सिर्फ ये टेबल अच्छे से हमें याद रखनी है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ये अपने आप हमारे आदत में आ जाएंगे, हैबिट में आ जाएंगे, और हम आसानी से इनको लर्न रख सकेंगे. तो एसिड एनहाइड्राइड का प्रेफिक्स नहीं होता है, सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड. ठीक है, जैसे फिर नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर. और एस्टर किस तरीके से लिखा हुआ आता है, RCOOR. ठीक है, यहाँ पर भी COOR, R जो होते हैं वो दो होंगे, एक तो होगा ये जो स्टार्टिंग में जुड़कर आ रहा है
यही R और एक होता है इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ R, ठीक है। तो इसका प्रेफिक्स भी हम अवॉइड कर देते हैं, सफिक्स की बात करते हैं, तो जो इस ऑक्सीजन के साथ में R लिखा हुआ है उसे तो हम लिखते हैं एल्काइल फॉर्मेट में, उसे तो हम कैसे लिखते हैं एल्काइल। इस R को तो हम क्या लिखते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है एल्काइल, और यहाँ से हम लॉन्ग चेन लेते हैं और लॉन्ग चेन को हम लिखते हैं एल्केनोएट के फॉर्मेट में, एल्केनोएट के फॉर्मेट में। तो इसका सफिक्स क्या होता है एस्टर का, एल्काइल एल्केनोएट, जिसके बारे में हम अपने 10th क्लास में भी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिल हैलाइड का, जो नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये किस तरीके से लिखा हुआ आता है, इस तरीके से सी ओ एक्स। यहाँ पर एक्स क्या है, हेलोजन है, क्या है यहाँ पर एक्स, हेलोजन, और ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स विल बी एफ सी एल बी आर और आई, ये हेलोजन्स हो सकते हैं कोई भी। तो इसका क्या होगा, ऑयल ऑयल हैलाइड, क्या होगा इसका प्रेफिक्स, सॉरी सफिक्स, ऑयल हैलाइड, ठीक है। और इस तरीके से ये 5 फंक्शनल ग्रुप हमने आज स्टडी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हैं एग्जांपल्स की बात करेंगे। चलिए ठीक, यहाँ पर हम इनका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर ये मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का क्या होता है, इथेन, 2 कार्बन का क्या होता है, इथेन होता है। अब इथेन के पीछे क्या लगा देंगे हम, सफिक्स ओइक एसिड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है, तो इथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सल्फोनिक एसिड का, तो देखिए सल्फोनिक एसिड किस तरीके से हमें दिखाई देगा, जैसे मैं यहाँ पर 2 कार्बन ले लेती हूँ और SO3H, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन इथेन होता है, तो इथेन सल्फोनिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेन सल्फोनिक एसिड, ये इसका UPSC नेम हो जाएगा। हम और आगे डिस्कस करेंगे जिन इनके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एनहाइड्राइड का, एसिड एनहाइड्राइड का, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक एग्जांपल लिखा है मैंने एसिड एनहाइड्राइड के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 कार्बन है और यहाँ पर भी 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन इथेन, 2 कार्बन इथेन, तो 2 होने की वजह से यहाँ पे डाई लगेगा, तो डाई इथेन ओइक एनहाइड्राइड, डाई इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो जाएगा। जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो मैं 1 by 1 सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करूँगी, यहाँ मैं थोड़ा सा जनरल ही बता रही हूँ आपको, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि सफिक्स किस तरीके से हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो देखिए डाई इथेनोइक, ये 2 इथेन है यहाँ पर, ठीक है, 2 इथेन दिखाई दे रहे हैं आपको, तो डाई इथेन और सफिक्स मैंने लगा दिया है ओइक एनहाइड्राइड, तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो गया, डाई इथेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट एग्जांपल हम एस्टर का ले लेते हैं, ये मैंने यहाँ पर एस्टर बना दिया, देखिए RCOOR, ये रहा RCOOR, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी कि इस ऑक्सीजन के साथ में जो CH3 या R जुड़ा हुआ है उसे तो हम लिखेंगे, एक कार्बन है तो मिथाइल मिथाइल, और यहाँ पे 2 कार्बन है तो मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, देखिए एल्काइल एल्केनोएट, तो कैसे हो गया इसका नाम, मिथाइल इथेनोएट इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम ऑयल हैलाइड की बात करते हैं, तो एसिल हैलाइड का एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3COCl, ठीक है, COCl, ये हम, अच्छा सॉरी, ये Cl ही आएगा, ऑक्सीजन मैंने नीचे लिख दिए यहाँ पे। तो देखिए ये एक मैंने एसिल हैलाइड का एग्जांपल लिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइल इथेनोइल, 2 कार्बन है इसलिए इथेनोइल ऑयल ऑयल हैलाइड की जगह क्या आ जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सफिक्स यूज़ में लेने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।